इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मकामी खबरों की तरफ एक नज़र। बिहार चुनाव के मद्देनज़र बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने हैं। तकरीबन सभी एग्जिट पोल ने नीतीश कुमार की हार दर्ज की है, पर इसे नीतीश कुमार की हार के तौर पर देखने से बेहतर होगा कि इसे मोदी की हार कही जाए, क्योंकि हर जीत के लिए अब तक मोदी लहर या मोदी का जादू या इसी तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब हार के लिए या शिकस्त के लिए सिर्फ नीतीश कुमार को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए, बजाय मोदी को जिम्मेदार ठहराने के अब नीतीश कुमार कहना गलत होगा। वैसे तो मोदी की पूरी फौज ने ही गोया बिहार चुनाव में अपनी कुव्वत को झोंक दिया था। अब थोड़ा गोदी मीडिया भी कैसे अपना रंग बदलती रहती है ये भी देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा। खैर, कुछ लोग भाजपा को जमनी इंतखाबात में कामयाबी को मोदी का जादू अब भी है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाई इलेक्शन में भाजपा जीत सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि मोदी का जादू चल रहा है, बल्कि अक्सर यही देखा जाता है कि जिस रियासत में जो पार्टी इख्तदार पजीर रहती है उसका असर रहता है। लिहाजा अब भाजपा मोदी हुकूमत के लिए बिहार की हार का है। तमाम एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव को अगला वजीर आला तय कर दिया है। बिहार चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से भारत का सियासी पस मंजर ही बहुत तब्दील होने वाला है। भाजपा जिस कदर धर्म जात पात यानी मजहबी तशद्दुद को फैलाकर गुमराह कर रही थी, अब इसका रुख बदलने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ भारत में बल्कि आलमी सतह पर भी मोदी हुकूमत में लोकतंत्र यानी जमहूरियत आईने हिंद को जिस कदर खतरा होने की बात कही जा रही थी, पर बिहार चुनाव को गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और दिगर आम इंसानों की जरूरतों की बुनियाद पे लड़ा गया। कोशिश तो मोदी योगी ब्रिगेड की जानिब से राम मंदिर कश्मीर की तरफ मोड़ने की काफी हुई, पर आवाम ने आखिर फैसला रोटी, कपड़ा और मकान पर ही दिया, जिससे जिन सवालों के जवाब एनडीए के पास नहीं थे। हासिल इत्तला के मुताबिक 12 नवंबर को तेजस्वी यादव वजीर आला का हल्फ उठाएंगे। भारत की गिरती हुई साख को बचाने का काम एक तरह से बिहार की आवाम ने किया। आखिर एग्जिट पोल क्या कहते हैं देखते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक एनडीए को 128 सीटें हासिल हो सकती है, तो महागठबंधन को 131 सीटें आ सकती है। एलजेपी 1 से 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। टाइम्स नाउ सी वोटर ने एनडीए को 116 सीटें मिलने के इम्कान जाहिर किया और महागठबंधन को 120 सीटें और एलजेपी को सिर्फ 1 सीट का कयास लगाया। रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 117, महागठबंधन को 138 से 140 और एलजेपी को 5 सीटें मिलने का कयास लगाया गया। TV9 भारतवर्ष ने कयास लगाया कि एनडीए को 120, महागठबंधन को 125 और एलजेपी को 3 या 5 सीटें मिल सकती है। हालांकि आज तक एक्सिस माइंड और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन आसानी से बहुमत हासिल कर सकता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक महागठबंधन को 160 सीटें मिल सकती है और एनडीए के खाते में सिर्फ 70 सीटें आने के इम्कान है। टुडे चाणक्य के मुताबिक महागठबंधन को 180 सीटें मिलने का अनुमान है और जेडीयू को सिर्फ 55। पोल में 11 सीटों का मार्जिन रखा गया, यानी कि दोनों की सीटें 11 कम ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर मोदी नीतीश कुमार को बिहार से बेदखल किया जाएगा और महागठबंधन की शानदार जीत होते दिखाई दे रहे। बदलता सियासी पस मंजर मोदी हुकूमत से सवाल पूछना चाहता है, और सही कहूं तो आवाम को अब सवाल पूछना होगा और पूछना जरूरी है। आपने ट्रंप के पीछे पूरी ताकत लगा दी, ट्रंप को नमस्ते भी किया, अंधभक्तों ने तो ट्रंप को जिताने के लिए हवन कुंड भी किया था। अंधभक्तों की एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो भी मुसलमानों के विरोध में बोलता है उसे ये अपना बाप बना लेते हैं। फिर फ्रांस हो या ट्रंप, क्या अब भारत की आवाम प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगी? क्योंकि अब जो बाइडन सदर अमेरिका बने हुए हैं और बाइडन ने भारत में मुसलमानों पर हो रहे ज्यादती पर सवाल उठाए थे, एनआरसी सीएए को गलत कहा था, यहां तक के कश्मीर की हिमायत की थी। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तो प्रधानमंत्री ने लगाया था, पर क्या इसके असरात क्या होंगे प्रधानमंत्री ने कभी सोचा था? मुट्ठी भर फिरका परस्तों की हिमायत करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए था कि देश का नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। फर्जी देशभक्तों ने तो
दूसरों को ही देशद्रोही साबित करने का ठेका ले रखा है, पर अब देश बदल रहा है, झूठ बेनकाब हो रहा है। बिहार चुनाव ने बहरहाल इसकी शुरुआत की। अब कुछ मकामी खबरों की तरफ। बेलगाम शहर महाराष्ट्र गोवा की सरहद पर बसा है, लिहाजा जुर्म के रास्ते भी बेलगाम शहर से होकर गुजरते हैं। इत्तेहाद न्यूज ने कई बार बेलगाम शहर दहशत गर्दों के लिए किस तरह पनागाह है इसका तस्करा बार बार किया है। सबसे पहले तो आज बेलगाम पुलिस को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने एक बार फिर कुछ लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बेलगाम शहर में इससे पहले भी NIA जैसी भारत की खुफिया एजेंसी ने तहकीक करते हुए बेलगाम से कई नौजवानों को गिरफ्तार किया था। सनातन संस्था के कारकुनान की तफ्तीश भी की गई थी। भरत कुरने की गिरफ्तारी जो बेलगाम का ही रहने वाला था, इसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। लिहाजा एक बार फिर चोरला रोड चौड़े पर कुछ नौजवानों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। रात के अंधेरे में कुछ नौजवानों को तश्वीशनाक हरकत करते हुए पुलिस ने भांप लिया और इन्हें रोका और इनकी तलाशी ली। लिहाजा इनके पास से पिस्तौल बरामद हुआ, 3 जिंदा कारतूस भी मिले, 34,000 रुपये और 2 मोटरसाइकिलें भी इनके पास से बरामद की गई है। पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश श्रृंगी और साथियों ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा मुजरिमों के नाम तुलसीदास जोशी, सतीश दलवी, उमेश बिलवली, गुरुवरैया लखमन नावर है। दरअसल इसे मीडिया में कुछ ज्यादा कवरेज नहीं दी गई, पर इसके पीछे बड़ी साजिश होने के इम्कान बहुत रोचक है, क्योंकि इससे पहले भी गौरी लंकेश कत्ल मामला इन्हीं रास्तों से गुजरा था जहां पर ये पाए गए। खानापुर के चोरला उचौड़े इन्हीं रास्तों से होकर बेलगाम और अतराफ में फिरका परस्त दहशतगर्दों ने इससे पहले कामों को अंजाम दिया हुआ है। पानसरे, दाभोलकर, कलबुर्गी और गौरी लंकेश कत्ल के तार बेलगाम शहर और अतराफ से जुड़े हुए और बार बार बेलगाम को दहशतगर्दों का स्लीपर सेल मौजूद होने की बात मंजर आम पर आई है। गिरफ्तार नौजवानों की तफ्तीश जारी है। पुलिस को शक है कि फिर किसी और मामले को लेकर तो ये जमा नहीं हुए थे। वाजा रहे कि गौरी लंकेश कत्ल मामले में जो ट्रेनिंग हुई थी खानापुर चिखले में, ये वहीं पर है। लिहाजा ये तमाम किस तंजीम से है और किसका कत्ल करने आए थे, पिस्तौल कहां से लाया गया था कि तमाम तहकीक जारी है। पुलिस के साथ आवाम को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। तश्वीशनाक कोई शख्स आपके गली मोहल्ले में घूम रहा हो तो फौरी तौर पर पुलिस को खबर करें, क्या पता कि किसी संस्था से ताल्लुक रखने वाला कारकुन आपके अतराफ में ही हो जो खतरनाक मंसूबे अंजाम देने वाला हो। कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर अभी भी स्कूलों को लेकर कयास आराइयां जारी है। कुछ लोगों ने मुकम्मल तौर पर कोरोना नहीं जाता तब तक स्कूलों को बंद ही रखा जाए का मुतालबा पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ रियासतों में स्कूलों को शुरू करने के फैसले के मद्देनजर कर्नाटक में भी स्कूलों को शुरू करने पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। बच्चों में पढ़ाई को लेकर बेजारी, देहात में स्कूलों को छोड़कर मजदूरी की तरफ बढ़ते बच्चे, ऑनलाइन पढ़ाई इत्मीनान बख्श न होने की वजह से स्कूलों को जल्द शुरू करने का फैसला लिया जा रहा है। बेलगाम सिटीजन फोरम ने तो DC को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि स्कूलों को शुरू करने को लेकर जल्दबाजी न करें, मर्ज कोरोना के खात्मे के बाद ही स्कूलों को शुरू करें, ऐसा मुतालबा भी पेश किया गया। आधा तालीमी साल तो कोरोना के ही नजर हो गया, अब भी स्कूलों को बंद रखा गया, जल्द स्कूलों को शुरू करने का फैसला जल्द लिया जाने वाला है ऐसा महकमा तालीम ने बताया है। शनिचर के रोज यानी हफ्ते के दिन भी पूरा दिन स्कूल जारी रहेगा ऐसा महकमा तालीम की जानिब से कहा गया। बच्चों के सिलेबस को कम वक्त में मुकम्मल करने के लिए सिलेबस को घटाया भी गया। बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए जल्द फैसला लिया जाएगा। पहले पीर से जुमा और हफ्ते के रोज सुबह के क्लासेस हुआ करते थे, पर अब हफ्ते के रोज पूरा दिन स्कूल होगी। तमाम हिदायत तो मुकम्मल तालीम की जानिब से तो जारी है, पर अभी भी स्कूल कब शुरू होंगी यह तय नहीं किया, जिससे वालिदैन भी काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनज़र SDMC मेमरान के साथ रियासती तालीमी महकमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादले ख्याल कर रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।